तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के जर्जर भवन को देखकर कुलपति भी हैरान रह गए। पूरे सीलिंग में प्लास्टर झड़झड़ कर गिर रहे थे। वहीं कुलपति ने विश्वविद्यालय इंजीनियर को इसे अतिशीघ्र ठीक करने का निर्देश दिया। वहीं यहां लेडी डॉक्टर की नियुक्ति और लेडीज ड्रेसर की नियुक्ति करने का आदेश रजिस्ट्रार को दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेडीज डॉक्टर और लेडीज ड्रेसर की बहाली जल्द होने की बात कही। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और सभी कर्मचारी और डॉक्टर को निर्देश दिया है कि वह समय पर आएं और समय पर जाएं। अगर कोई समय से पहले जाएंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुलपति ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के कई अधिकारी मौजूद थे। पहले तो डॉक्टर की कमी है, महिला ड्रेसर होना चाहिए वो कमी है, महिला डॉक्टर महिला ड्रेसर की कमी है। पूरा जो हॉस्पिटल है थायचर्ड अवस्था में है, माने जर्जर अवस्था में है, जिसमें डॉक्टर साहब का चैम्बर जो ही है वो टूटा फूटा है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और भी दो तीन रूम हैं, इसके लिए मैंने कहा है इंजीनियर साहब को कि चाहे कौन राशि का इसका रूसा सह पास, हमने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर से ही सबसे पहले 15 दिन के अंदर पूरा छत जो है इसका मरम्मत कर दें। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो है न बिजली है न कुछ है, तो इसके लिए हमने बताया है कि ऐसे व्यवस्था सेंट्रल लाइब्रेरी की भी और यहाँ के लिए सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करेंगे। भागलपुर जिले के सनहोला प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय सनहोला में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल को सनहोला पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल शराब के नशे में कार्यालय में कार्य कर रहे थे, तभी आम आदमी ने नोक झोंक किया, जिसमें मिहिलाल यादव नामक व्यक्ति द्वारा सनहोला थाने को लिखित आवेदन दिया गया कि कर्मचारी शराब के नशे में धुत है और गलत व्यवहार कर रहे हैं। आनन फानन में सनहोला थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने अपने पुलिस बल को भेजा और वीरेंद्र लाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला लाया गया, जहाँ मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि की गई। जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी ने भी शराब पीने की पुष्टि की। मालूम हो कि इसके पहले भी राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राजस्व जिला परिषद संजीत सुमन एवं आम जनता के द्वारा 4 घंटे तक बंधक भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी पहुंच वाले कर्मचारी वीरेंद्र लाल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे कई आरोप लगातार कर्मचारी वीरेंद्र लाल पर लगते आ रहे हैं। वर्षों से यह कर्मचारी सनहोला में ही पदस्थापित है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी वाले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजस्व कर्मचारी पर क्या कानूनी कार्यवाही करते हैं, क्योंकि पहले भी यह कर्मचारी दोषी पाया गया था। शराब पीने का आरोप लगा था, क्या शराब पीने का पुष्टि हुआ मैडम? इसमें अमाउंट निकला है 9.8 मिलीग्राम पर 100 ml निकला है। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडे और सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने आज अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया का औचक निरीक्षण किया, जहां एक्सरे कक्ष, ओपीडी, दांत कक्ष, प्रसव कक्ष एवं इमरजेंसी रूम का निरीक्षण के दौरान मरीजों के बेड पर लगे खून व बाल देख भड़के सीएस ने साफ सफाई पर ध्यान देने को कहा है। आयुक्त ने सीएस को रोगी कल्याण समिति के गठन कराने, मरीजों के पेयजल को लेकर चापाकाल को दुरुस्त कराने, आंख जांच की सुविधा और अल्ट्रासाउंड मशीन भी चालू कराने को कहा है। साथ ही अस्पताल के बाहर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। अगल बगल जितना क्लिनिक है अवैध, सब पर कार्रवाई होगी और इसको तो बंद करने के लिए हमने ऐसा दिया है। न हमको मैसेज कीजिएगा, इसको चिट्ठी हम वहीं से देते हैं। किसको सर? ये बगल में यहाँ अल्ट्रासाउंड। अच्छा, सर वो तो बगल में घूमेगा दिन रात अस्पताल में, तो इतना नजदीक है यहीं से धर कर ले जाएगा। सर अपने अस्पताल में सुविधा है अल्ट्रासाउंड का? स्टार्ट करा रहे हैं। क्या सब चीज स्टार्ट होगा? ये सब अपने यहाँ देखिए, आँख जांच की सुविधा स्टार्ट होगी, सीजेरियन स्टार्ट हो गया यहाँ, और हम लोग अल्ट्रासाउंड की सुविधा स्टार्ट कर।
भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के गोलदारपट्टी के रहने वाली श्रेया राज ने पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद के पास पहुंचकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती का कहना है कि वह उसके माता पिता और बहन नाथनगर के गोलदारपट्टी स्थित नाना के मकान में 12 सालों से रहते हैं और 17 अगस्त को जब अपनी बहन के साथ घर में अकेली थी उसी समय मामी और ममेरे भाई के द्वारा दोनों बहनों के साथ मारपीट की गई और ममेरे भाई के द्वारा उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ भी की गई, जिसको लेकर नाथनगर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया और न्याय की गुहार को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम और सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात तक गुहार लगाई गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसे लेकर पीड़िता आज पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के पास गुहार लेकर पहुंची, जहां डीआईजी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस बार जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो सोचा कि अगर इन दोनों बहनों को घर में घुस के मारेंगे तो ये लोग डर से यहाँ से भाग जाएगी, इसलिए वो हम लोग को आके पूरा मारने पीटने लगा। तो जब हम इस सारी बातों को लेकर नाथनगर थाना गए तो थाना वाले ने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद फिर हम एसपी सर के पास गए तो एसपी सर के कहने पर उसने मेरा एफआईआर सुबह का नहीं लेके शाम में किया। उसके बाद एएसपी सर जब घर पर आए तो उनके जाने के बाद उनका बेटा हमको धमकी देता है कि तुम एएसपी को घर में बुला रही हो, हम तुमको जान से मार देंगे, तुम लड़कियों के इतना आगे बढ़ रही हो। हम बोले, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद इतने दिन से कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके आज हम डीआईजी सर के पास आए। क्या बोले डीआईजी? डीआईजी सर बोले कि ठीक है, हम देखते हैं। मारपीट करता है क्योंकि मेरे मामा जी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, बाकी घर में कोई नहीं है। हम मेरी मम्मी और मेरे मामा जी एक ही भाई बहन थे तो हम लोग यहीं पे 12-13 साल से रह रहे हैं, तो मतलब कि कोर्ट से हम लोग को आधा आधा का मतलब हिस्सा मिला हुआ है। तो वो सोचा कि अब तो हिस्सा मिल गया तो अब तो ये लोग लेके ही रहेगी, तो इसके पापा के गैर मौजूदगी में अगर इसको मारेंगे तो ये लोग डर से भाग जाएगी। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। सेंट्रल लाइब्रेरी को 24 घंटा खुला रखने की तैयारी विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है, इसी को लेकर कुलपति ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लाइब्रेरी में काफी अनियमितता पाई गई, जिसको देखकर कुलपति काफी नाराज हुए। वहीं लाइब्रेरी के कर्मचारी और प्रभारी का जमकर क्लास लगाई गई। सेंट्रल लाइब्रेरी में 2016 के बाद से किताब की खरीदी नहीं की गई है, वहीं पुरानी किताब से ही छात्र यहां ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, जिसको लेकर कुलपति ने नाराजगी जाहिर की। वहीं यहां की व्यवस्था में भी काफी कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर कुलपति ने इसे तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया। सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने रह रहे बाढ़ पीड़ितों को यहां से हटाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को लेटर लिखने का आदेश रजिस्ट्रार को दिया है। उनका कहना था कि यहां पर लाखों की किताबें रहती हैं और बाढ़ पीड़ित यहां पर खाना बना रहे हैं, जिसके कारण कभी भी आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने यहां पर बाढ़ पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर जिला प्रशासन से आग्रह किया है। निरीक्षण के दौरान प्रतीक कुलपति रजिस्ट्रार सहित कई अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। हम एक ही चीज एनालिसिस कर रहे हैं कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम अच्छी पढ़ाई के चलते कभी था, व्यवस्था अच्छी थी, और वो व्यवस्था जो है ना पिछले मैंने एक सालों से तो बहुत गड़बड़ा गई। मैंने लाइब्रेरी का पूरा निरीक्षण किया। डायरेक्टर कौन है, क्या नाम है? आनंद कुमार झा जी से मैंने बात की, एक एक स्टाफ से बात की, है ना। तो और साथ साथ जो लाइब्रेरी जो है यह बड़ी बुरी अवस्था में है, लेकिन फिर भी जैसे अभी मान लिया जाए कि अभी 22 लाख रुपया इनके बैलेंस में है, जर्नल में सब जर्नल्स पुरानी हैं, ये तो कोई औचित्य नहीं कि क्यों नहीं मंगाते हैं। ये तो अपने या तो भीजन का ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को वो हम मैंने कहते हैं कि नहीं लगा रहे। उसी तरह से जनरेटर में ऑलरेडी पैसा है मिसलेनियस में, ये 1-1.5 लाख से ऊपर है, और ये कह रहे हैं डीजल नहीं है, सभी लड़के गर्मी में मर रहे हैं। जितनी जो किताबें हैं कब खरीदाई थी लास्ट? 2016 में किताब के बाद में आज तक नहीं खरीदाई, और जो किताब खरीदाई है वो ऑलरेडी ऐसे भी बहुत सारे टेबल पर रखा हुआ है। मैंने कहा 4 दिन का समय दिया, उसमें 4 आदमी को लगाया, अब बोले कि सब जो है ना जो क्या बोलते हैं उसको रैक में सारी किताबें चली जानी चाहिए। जितना जो रेफरेंस बुक है वो 20 साल पुराना है, लड़के क्या रिसर्च करेंगे। तो मैंने इनको कहा डायरेक्टर साहब को कि जितने भी हेड हैं, जितने भी डीन हैं, उनसे 3 सूची मंगाइए, है ना, कि आपका बुक्स कौन कौन चाहिए करंट, है ना, आपका रेफरेंस बुक कौन चाहिए, और साथ साथ जर्नल्स का भी 5-5 नाम हर हेड भेज दे गए, तो हम लोग विश्वविद्यालय में मीटिंग करके उसको प्रोवाइड करेंगे।
स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, बाहर पीड़ितों के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन यह सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ लाखों किताबें हैं, आप जाके पहले झोपड़ी में जाकर के उसका फोटो लीजिए, ये सभी दीवार से सटे हुए हैं, अगर उसकी एक भी चिनगारी लाइब्रेरी के अंदर घुस जाए तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि कभी भी आग लग सकती है, इसकी संभावना है। हमने कहा है कि DM और जो भी SDO सारे को लिख दें कि हमको सहानुभूति है, लाइब्रेरी जो मेरा एरिया है इसके अंतर्गत इन लोगों को प्रवेश वर्जित करें, चाहे अंदर या बाहर, इसलिए कि इसमें लाखों की किताब है, वैलेबल बुक से अगर एक बार जल गई तो वो चीज़ थोड़ा ही फिर मिलेगा। भागलपुर में लगातार निजी अस्पताल में मरीजों को हो रही मौत पर परिजन लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कल डॉक्टर BK जायसवाल के यहाँ निजी अस्पताल में परिजनों का आक्रोश ठंडा भी नहीं हुआ था कि 24 घंटे के अंदर तिलका मांझी में डॉक्टर गौतम कुमार के हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया गया। वहीं तिलका मांझी अवस्थित RPS मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम कुमार के ऊपर भी परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए किडनी निकाल कर हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर गोघट्टा के मोहनपुर मथुरापुर का रहने वाला मृत 36 वर्षीय प्रकाश मंडल के परिजनों ने बताया कि उक्त मरीज को कुछ समय पूर्व से पीठ में दर्द हो रहा था। वहीं जब गौतम कुमार से इलाज कराने के लिए पिछले 30 अगस्त गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में स्टोन है, वहीं स्टोन का इलाज लेजर मशीन के द्वारा कर दिया जाएगा, इसमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मरीज के परिजन से कुल 48,000 रुपए लेने की बात कही गई थी। वहीं परिजनों ने कुल रुपया जमा कराकर ऑपरेशन करवाया। लेजर मशीन से ऑपरेशन नहीं करके डॉक्टर ने सर्जिकल ऑपरेशन किया और मरीज की स्थिति बिगड़ते ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पेशेंट किडनी निकाल लिया गई है जिससे उसकी मौत हुई है। जब पेशेंट की मृत्यु हो गई तब उसे रेफर कर लोकल हॉस्पिटल भेज दिया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी और परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ परिजन मुआवजे की भी बात करते दिखे। वहीं तिलका मांझी अवस्थित RPS मेमोरियल सुपर स्पेशली हॉस्पिटल भी सुबह से बंद है। नाम बताइए। गौतम कुमार। अच्छा। गौतम कुमार का पानी चला था और पानी आधे बोतल चलाया और घीच तुरंत तेल चल गया अंदर। हाँ, पाँच घंटा को बाद तब निकाला है को। अंदर, अंदर से क्या हुआ था? क्या हुआ था जो यहाँ लाए थे? पथली को बीमारी था, वहाँ पथली को कल कि यहाँ ऑपरेशन होगा तो मतलब चीर बन होता है तो कहता है ना मशीन वाला होता है तो वहाँ मशीने वाला कर दिया यार। वहाँ से हॉस करके सर 5 घंटा पर निकला था, हॉस हो गया तब लाया। मशीन पे जो सर्जरी सुनिए सर, मशीन पे जो सर्जरी होता है कटिंग तो नहीं होता है ना, लेकिन इसका पेट में किडनी के पास में कटिंग है। और मेन पॉइंट होता है क्या किडनी के पास में उसका कटिंग ज़्यादा दूर तक हुआ है? क्या शक लग रहा है? शक लग रहा है कि किडनी उसका निकल गया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भागलपुर जिले के पर्वती मोहल्ले में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आसपास के श्रद्धालुगण गणेश जी का दर्शन करने आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भी लोग पूजा आराधना करते रहे। गुरुवार के दिन लोग दर्शन करने के साथ मेले का लुत्फ उठाते रहे। गणपति युवा संघ के तत्वावधान में मूर्ति स्थापित की गई थी। सचिव निरंजन मंडल ने बताया कि शुक्रवार के दिन साहिबगंज स्थित तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। आपको बताते चले कि गणेश उत्सव का आयोजन महाराष्ट्र आदि राज्यों में धूमधाम से होता रहा है, लेकिन विगत कई सालों से अंग प्रदेश भागलपुर में भी गणेश उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए गुरुवार को प्रखंड सभागार में पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद ने किया। मौके पर BDO रघुनंदन आनंद ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 9 सितम्बर तक 2 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 3 सितम्बर तक होगा, जो दूसरे चरण का प्रशिक्षण 5 से 7 सितम्बर तक चलेगा। इसमें 8 पंचायतों के कुल 93 वार्ड सदस्य भाग। उन्होंने बताया कि आज शुरू हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के बाद पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास, 73वां संविधान संशोधन एवं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का संक्षिप्त परिचय, ग्राम सभा एवं निगरानी समिति तथा ग्राम पंचायत एवं उसकी विभिन्न स्थायी समितियों के संबंध में सभी वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षकों के द्वारा जानकारी दी गई है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का दूसरा चरण 3 से 7 सितंबर में 6 पंचायतों के कुल 71 वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित तकनीकी सहायक गिरधारी मंडल, पंचायत कार्यपालक सहायक दिवाकर कुमार, कार्यपालक सहायक राम बिहारी यादव, पंचायत कार्यपालक सहायक अमरीश कुमार सिंह, तकनीकी सहायक हेमंत कुमार, लेखापाल कंचन कुमारी, शारमिन खातून ने सभी वार्ड सदस्यों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के लोकनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा वर्ग एक के नामित शिक्षक का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत 5 दिवसीय गैर आवासीय स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक प्रशिक्षण का 2 बेंच में दूसरे सत्र का प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षक तृप्ति कुमारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण वर्ग एक के बच्चों को विद्यालय में खुशनुमा वातावरण मिले इसके लिए शिक्षकों रोचक गतिविधि आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक अपने विद्यालय 60 दिवसीय चहक मॉड्यूल की 140 गतिविधि बच्चों के साथ करेंगे। इससे बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास होगा। इसमें रामचंद्र शाह मेंटर मोहम्मद आदिल तथा तृप्ति कुमारी, नालिनी बिंदु कुमारी तथा रंजीता कुमारी प्रशिक्षक की भूमिका में थे। एक प्रतिभागी के रूप में प्रशिक्षण शवों के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण से हम रेनुअल की तरह होते हैं और यहाँ पर जो प्रशिक्षण चाहक दिया जा रहा है यह वर्ग एक के बच्चों को विद्यालय में ठहराओ और उसको एक खुशनुमा वातावरण मिले उसके लिए यहाँ हम सीखने आए हैं। सीखकर हम अपने विद्यालयों में इसको लागू करेंगे। वहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उन्हें एक खुशनुमा माहौल मिले जिससे उसका ठहराव विद्यालय पर हो। आज प्रशिक्षण देने उपस्थित हुई हूँ जिसमें बच्चों को खुशनुमा माहौल देने के लिए और बच्चों को छिजित होते हुए बच्चों को रोकने के लिए वर्ग कक्ष को आनंददायी बनाने के लिए यहाँ गतिविधि से कैसे जोड़ा जाए उस पर कार्य कर रही हूँ मैत्री। गंगा का जलस्तर में तेजी से वृद्धि के बाद भागलपुर जिले के कई इलाकों में गंगा का पानी घुस जाने के कारण आज नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी व प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल ने संयुक्त रूप से जायजा लिया। उन्होंने नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस संबंध में नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा ने कहा कि गंगा के जलस्तर में शाम को ज्यादा वृद्धि हुई है। गंगा के पानी से किसी को कोई भी परेशानी होगी इसके लिए हर संभव जिला व प्रखंड प्रशासन मदद करेगी। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है तो कुछ क्षेत्र है जो बात तो अभी हुए हैं कि लोग यहाँ से विस्थापित होकर गंगा कोठी एवं अन्य सदस्य गए हैं, वहाँ उनके लिए व्यवस्था कराई गई है, शौचालय पानी एवं बिजली की व्यवस्था कराई गई है। मैडम तात्कालिक कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा कुछ दिया जा रहा है? जिला प्रशासन के द्वारा पानी, शौचालय, बिजली की व्यवस्था कराई गई है। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक बार फिर से नगर निगम प्रशासन की ओर से आज भागलपुर जिले नाथनगर रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क गोलदार पट्टी, केबीलाल रोड समेत अन्य कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण दस्ते के साथ मौजूद निगम कर्मी और पुलिस जवानों के साथ सुभाष चौक से यह अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान माइकिंग कर सभी फुटकर दुकानदार व स्थायी दुकानदारों को दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग व अन्य सामानों को अपने दुकान के अंदर रखने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़क को अवरुद्ध न करें, नाले के अंदर ही अपनी दुकान लगाएं, अन्यथा दोबारा पकड़े जाने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी।